Hi guys, this is Kashyap and welcome to new video. And आज के वीडियो में हम करेंगे हेयर स्पा, जो कि बी ब्लंट का हेयर स्पा होगा. एंड वैसे मैं आपको बता दूँ, टमोरो इज़ माई बर्थडे, सो टुडे आज मैं सेल्फ पैम्परिंग करूँगी. तो इसलिए मैंने सोचा आज सबसे पहले मैं अपने हेयर को स्पा करूँगी वगैरह वगैरह वगैरह, बाद में करूँगी. तो वैसे मैंने अभी हेयर वॉश करके यानी कि शावर लेके आई हूँ. तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है. जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये बी ब्लंट का हेयर स्पा सलून लाइट है. सो मैंने इसे मंगवाया था, आपने मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा. सो अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, तो आज मैं इसे करूँगी यूज़. देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा इसका. प्लस पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है. सो इसको है ना, इसमें लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ क्लींस एंड नरिश योर हेयर विद बी ब्लंट इंटेंस मॉइस्चराइजर शैम्पू एंड कंडीशनर. सबसे पहले आप ये क्लेम करता है कि आपको बी ब्लंट का शैम्पू, बी ब्लंट के शैम्पू से हेयर को वॉश करना है. आफ्टर दैट आपको इसे, इस हेयर मास्क को अपने डैम्प बालों पर लगाना है. तो हेयर वॉश कर लिया है और अभी मेरे बाल हैं डैम्प, तो अब मैं इसको करूँगी यूज़. एंड इसके साथ आपको एक हीट मास्क. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. मैं करूँगी इस चाकू से इसका ना भूल गई. ये क्लेम करता है कि आपको शैम्पू जो है बी ब्लंट का यूज़ करना है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने मन पसंद शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जो आपको, जो आपका फेवरेट है. ओके सो लेट्स स्टार्ट. मैंने हेयर मास्क अप्लाई कर लिया है अपने रूट्स एंड लेंथ पे अच्छे से. एंड इसके बाद आपको मिलता है, इसके बाद आपको मिलता है ये हीटिंग कैप. इसको अपने हेयर पे लगा के रखना है 5 मिनट्स के लिए पकड़ना. इसको पहले मैं अपने बालों को बनाऊंगी बन. अपना सच में गरम गरम सा है, मुझे फील हो रहा है. ओह माय गॉड. एंड इसको लगाने के बाद ना आपको हेयर को मसाज जरूर से जरूर करना है. कितना बज रहा है, बहुत ही गरम गरम सा फील हो रहा है.
मुझे नहीं पता क्यों, मुझे लग रहा है कि उधर घो। सो गाइस इसमें ना सच में गरम गरम सा फील हो रहा है, जैसे आप हीट स्पा लेने चाहते हो और आपको हीट दिया जाता है, तो ये उसी तरह का एकदम फील हो रहा है। इसको लगाने के बाद कुछ ज़्यादा ही गर्म लगने लगा मुझे, बाकी जब भी मैं इसको टच कर रही थी ना तभी इतना गर्म नहीं लग रहा था, लगाने के बाद ज़्यादा गर्म लग रहा है। प्लस इसमें जो है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है विथ जोजोबा ऑयल एंड विटामिन ई। इसमें जोजोबा ऑयल एंड विटामिन ई है, और इस मास्क में भी कुछ तो वे इस मास्क में कैप में जोजोबा ऑयल और विटामिन ई है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे हाथ ये सारे लगे हुए हैं, तो अभी मेरे 2 मिनट हुए हैं, अभी 3 मिनट और मसाज करना है। तो गाइस पूरे 5 मिनट हो गए हैं, इनफैक्ट 1 मिनट ज़्यादा ही हो गए, 6 मिनट हो गए। तो अब इस कैप को उतारने की बारी आ गई है और हेयर को वॉश करने की बारी आ गई है, तो चलिए हेयर को करते हैं वॉश। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने हेयर को वॉश कर लिया एंड टाल भी मैंने लपेट लिया है, एंड आप चाहो तो इसको आप ड्रायर के थ्रू से आप हेयर को सुखा सकते हो। मैं इसे नॉर्मली सुखाऊंगी, दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, एंड तब तक मेरे बाल ड्राई होते हैं, एंड इसी तब तक मेरे बाल ड्राई होते हैं। एंड इसी बीच मैं कल इतना ऑफिस का था, क्योंकि बाल सूखने में आधा घंटा तो लग ही जाएंगे, इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना ऑफिस का काम कर लिया जाए। सो गाइस आफ्टर ड्राई आप मेरे हेयर देख सकते हो कितने ज़्यादा स्ट्रेट हो गए हैं और इतने सॉफ्ट हो गए हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सो अगर यदि आप चाहते हो बी ब्लंट का हेयर स्पा करना घर पे 5 मिनट में आप कर सकते हो, और अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, और प्राइस भी आपके बहुत कम है और काफ़ी सारे पैसे आपके बच जाएंगे। ओनली 300 समथिंग का मुझे कुछ पड़ा था, नेट पे आप देख लेना। सो यू कैन ट्राई दिस, ओके। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।